साते 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 शारिंगान, जिसे देखकर हर किसी ने कहा, यार इससे भी कूल कुछ हो सकता है, काश मेरे पास भी होती है। ओ गॉड, एक बार दिला दे। तो इसलिए आज हम बात करेंगे शारिंगान के बारे में। जिसने भी नारुतो देखा है उसे पता है कि शारिंगान क्या है। तो शारिंगान एक ऐसा दोजुत्सु है जो उचियास क्लैन की जनरेशन में पास डाउन हो रही है। और हाँ, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि पहला शख्स जिसने शारिंगान अवेकन करी थी वो था होगोरोमो ओत्सुकी। उसके बाद इंद्रा और उसके बाद उचिया क्लैन बना और फिर मादरा, देन ओबितो, फुगाकू, इताची एंड देन सास्के। अब शारिंगान एक्टिवेट कैसे होती है? सो इट्स वेरी सिंपल। सुनो, जैसे कोई उचिया अपने एक दोस्त के साथ कहीं है तो तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम जाओ और उसके दोस्त में एक झापड़ लगाओ एंड देन यू सी दैट झापड़ इसमें पड़ा है बट उधर उचिया की शारिंगान एक्टिवेट हो गई है। तो उनका कुछ ऐसा अलग सिस्टम रहता है शारिंगान एक्टिवेट करने के लिए। मजाक की बात साइड में, तो शारिंगान एक्टिवेशन के पीछे फीलिंग्स हैं। कोई तुम्हारा क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड जो भी, या तो उसको बचाना हो या तो उसके जाने की गम में, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तब क्रिएट होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव व्हाटएवर, उस फीलिंग से शारिंगान एक्टिवेट होती है। अब क्लासिफिकेशन करते हैं। शारिंगान में तीन स्टेजेस होती हैं लेवल्स की तरह, और जो ये ब्लैक कॉमास हैं इन्हें बोलते हैं तमोए। ठीक है, तो पहले स्टेज में जब एक तमोए एक्टिवेट होती है तो इसमें यूजर स्टार्ट कर देता है अपोनेंट्स के मूवमेंट्स को रीड करना, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी नहीं क्योंकि अभी शारिंगान पूरी तरह मैच्योर नहीं है। सेकेंड स्टेज में जब दो तमोए एक्टिवेट होती हैं तो इसमें यूजर जुत्सु कॉपी कर सकता है, लाइक निंजुत्सु एंड ताइजुत्सु, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपोनेंट्स के मूवमेंट्स को और तेजी से पढ़ सकता है और उनके अगले अटैक्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, दूसरों का चक्रा फ्लो भी देख सकते हो और स्मॉल गेंजुत्सु भी परफॉर्म कर सकते हो। नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट यस यू कैन परफॉर्म। थर्ड एंड फाइनल स्टेज में जब तीनों तमोए एक्टिवेट होती हैं, नाउ योर शारिंगान इज फुल्ली मैच्योर, तो अब तुम पावरफुल गेंजुत्सु बना सकते हो, जुत्सु को और तेजी से कॉपी कर सकते हो और काफी पावरफुल जुत्सु को परफॉर्म कर सकते हो और प्रिडिक्शन पावर इतनी नेक्स्ट लेवल पर होगी कि अगर तुम्हारा अपोनेंट एक इंच भी अपनी बॉडी का हिलाएगा तो तुम्हें उसके अगले वार का पता चल जाएगा। बट हाँ, इस थर्ड स्टेज को तुम तभी अच्छे से यूज कर सकते हो जब तुम इसे अच्छे से मास्टर कर लो, जिसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तुमने सुना होगा, विद अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ध्यान में रखना इसे। इवन सास्के को भी 2.5 से 3 साल लग गए थे इसे फुल्ली मास्टर करने के लिए। बस इसके बाद तो फिर माँ क्यों शारिंगान एक्टिवेट होती है उसके बारे में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। तो तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक बटन सामने है, क्लिक कर दो। और जैसे शारिंगान लाल होती है वैसे ही सब्सक्राइब बटन भी हमारा लाल है, उसे भी दबा दो, क्या पता तुम्हें एक्टिवेट हो जाए। तो आज के लिए बस करते हैं, अरिगातो।